Hello everyone, class 3rd mathematics, and today we will discuss about mental maths of chapter number 7 and chapter number 8. Chapter number 7 we have fractions and chapter number 8 is geometry. So let's discuss the mental maths of chapter number 7, fractions, right? So first of all we have, how many thirds are there in whole? So whole means full, like if we have one figure like this, if we have this figure, whole matlab pura. राइट हाउ मैनी थर्ड्स अगर इसको हम थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं राइट तो हाउ मैनी थर्ड्स थ्री थर्ड्स राइट तीन पार्ट्स होंगे तीन तीन में डिवाइड करेंगे तो तीन पार्ट्स होंगे राइट सो हाउ मैनी थर्ड्स थ्री सिमिलरली हाउ मैनी फोर्थ्स ऑफ होल इन अ होल फोर हाउ मैनी हाफ्स एवरीवन जैसे कि मैंने समझाया था यहाँ पे अगर इफ यू हैव अ सर्कल राइट अगर हम इसको सेंटर से डिवाइड कर दें हाफ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया राइट हाफ पार्ट्स मतलब इसके टू पार्ट्स ठीक है सो हाउ मैनी हाफ पार्ट्स विल बी टू One half is written as everyone. It's very clear. These three equations. One half is 1/2. One third is 1/3. And 1/4 is 1/4. Then we have 1/2 of 6. Right? 1/2 of 6 means कि हम जैसे ये सम्स मैंने कैसे कराए थे आपको थर्ड क्लास के लिए मैंने ऐसे कराया था कि 2 के टेबल पे 6 कहाँ आता है राइट या 1/2 ऑफ 6, 6 को हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर दें ऐसे ही वैसे ही 1/3 ऑफ क्या आएगा कि हमारा आंसर 3 आए राइट वी नो 2 3s are 6 सो 3 3s are 9 वी कैन राइट लाइक दिस कि 2 3s अगर 6 है तो 3 3s are क्या होगा 9 होगा ओके देन इन अ फ्रैक्शन द नंबर रिटन अबव द डिवाइडिंग लाइन इज कॉल्ड न्यूमिरेटर इज इट ट्रू यस जब हमारे पास कोई फ्रैक्शन होती है जैसे कि हमारे पास ये फ्रैक्शन है ऊपर वाले नंबर को हम कहते हैं न्यूमिरेटर और नीचे वाले नंबर को डिनोमिनेटर राइट सो यस दैट इज न्यूमिरेटर 5/9 द डिनोमिनेटर इज ऊपर वाला न्यूमिरेटर तो नीचे वाला क्या होगा डिनोमिनेटर सो डिनोमिनेटर इज 9 द फ्रैक्शन हैविंग डिनोमिनेटर 8 एंड न्यूमिरेटर 3 सिमिलरली न्यूमिरेटर 3 है डिनोमिनेटर 8 है सो वी विल हैव 3/8 1/10 ऑफ 20 जैसे कि ऊपर मैंने बताया 10 के टेबल पे 20 कहाँ आता है 2 पे राइट सो 2 5/5 इज सेम एज वन होल यस 5 के टेबल पे 5 कहाँ आता है 1 पे ही आता है राइट सो 5/5 इज 1 होल वी कैन राइट 1 एज हम अकेला 1 भी लिख सकते हैं और 1 होल भी लिख सकते हैं 1 होल मीन्स पूरा 1 एक पूरा राइट सो हेंस आर मेंटल मैथ्स ऑफ चैप्टर नंबर 7 डन नाउ वी विल डू चैप्टर नंबर 8 मेंटल मैथ्स दिस इज ज्योमेट्री सो लेट्स स्टार्ट Can you make a square using 5 matchsticks? No. Square के लिए हमें 4 matchsticks चाहिए. So no, we don't need 5 matchsticks. What is the least number of matchsticks do you need to make a rectangle? We need 4 matchsticks. Least number of matchsticks, we need 4. Which of the following has no vertex? Triangle, rectangle, square and circle. So everyone, triangle, rectangle, square. एक सेकेंड ओके ट्राइंगल रेक्टेंगल स्क्वायर सर्कल वर्टेक्स मीन्स क्या होता है वर्टेक्स मीन्स कॉर्नर तो ट्राइंगल रेक्टेंगल स्क्वायर सर्कल किसका कॉर्नर नहीं होता हमारे पास सर्कल का कोई कॉर्नर नहीं होता राइट देन ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल तो रेक्टेंगल की कौन सी साइड्स इक्वल होती है लाइक इफ यू हैव छोटा सा रेक्टेंगल मैंने यहां बनाया था सो हाउ विच साइड ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल सो ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल A cylinder has two curved edges. As I explained you, cylinder जैसे आपकी cylindrical bottle होती है उसके कितने curved edges होते हैं एक ऊपर होता है और एक नीचे होता है राइट तो उसके टू curved edges होते हैं ये हमने पीछे पढ़ा हुआ है cuboid has 12 edges. If you trace all 6 faces of a die, what shape will you get? ये मैंने explain किया था ओके इफ यू हैव दिस इरेजर राइट ये तो इरेजर पुरानी सी है अगर आप नई इरेजर कोई लोगे बिल्कुल जिसके शार्प कॉर्नर सब कुछ होता है अगर आप उसे ऐसे ट्रेस करोगे तो व्हाट वी विल यू विल हैव रेक्टेंगल सिमिलरली डाई जो होती है जैसे आप डाइस हम जैसे खेलते हैं लूडो खेलते हैं राइट दैट इज डाई तो अगर हम उसको ऐसे उसका आप शेप बनाएंगे ट्रेस करेंगे तो वी विल हैव स्क्वायर राइट समझ आया ये क्वेश्चन इफ वी विल ट्रेस डाई ऑल साइजेस ऑल फेसेस ऑफ डाइस देन वी विल गेट अ स्क्वायर All the sides of dash are equal in length. We know square की सारी sides equal होती हैं. All the sides of square are equal in length. A sphere has one curved face. Sphere means ball. Ball के कितने curved faces होते हैं एक ही होता है right? वो curved face ही होता है That is one curved face. A dash as well as dash has 8 vertices. मैंने ये दोनों का cube और cuboid में दोनों same चीजें होती हैं उसकी 8 vertices होती हैं दोनों की right?
सो क्यूबॉइड एज वेल एज क्यूब हैज एट वर्टिसेस. क्यूब को आगे भी लिख सकते हो, क्यूबॉइड को पीछे भी ले सकते हो, नथिंग मैटर इन दैट. स्क्वेल इज यूज, स्केल इज यूज टू ड्रॉ डैश लाइन. स्केल से हम, जैसे हमारे पास स्केल है तो हम इससे कौन सी लाइन ड्रॉ करते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है, राइट. सो इट मीन्स अ स्केल इज यूज टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन. अ क्यूब हैज सिक्स फेसेस, ये भी हमने पीछे किया हुआ है, क्यूब के सिक्स फेसेस होते हैं. अ सिलेंडर हैज नो वर्टिसेस, एवरीवन सिलेंडर का कोई कॉर्नर नहीं होता, राइट. सिलेंडर हैज नो वर्टिसेस, नो भी लिख सकते हैं, जीरो भी लिख सकते हैं. अ कोन हैज वन डैश फेस एंड वन कर्व्ड फेस. सो वन डैश फेस मतलब कि उसका एक फ्लैट फेस होता है कोन का, नीचे से फ्लैट होता है जिससे हम उसको ऐसे रख सकते हैं, एंड उसका एक कर्व्ड फेस होता है, ऊपर वाला जो कर्व्ड गोल होता है दैट इज कर्व्ड फेस. सो फ्लैट फेस एंड वन कर्व्ड फेस. टॉप एंड बॉटम फेसेस ऑफ सिलेंडर आर फ्लैट. जैसे कि आपकी बॉटल होती है, राइट, जो कर्व्ड सिलेंड्रिकल बॉटल होती है ऊपर से और नीचे से फ्लैट होती है, राइट. टॉप एंड बॉटम फेसेस ऑफ सिलेंडर आर फ्लैट. हेंस आर मेंटल मैथ्स ऑफ चैप्टर नंबर 8 ऑल्सो डन. And if you have any other query, please contact me. And if you want to see previous and as well as next videos, then subscribe my channel Mathematics Prashur. Thank you.